ऑस्ट्रेलिया टीम फर्स्ट टेस्ट से पहले खिलाड़ियों को इंजरी के लेकर काफी परेशानी में नजर आ रही है। डेविड वॉर्नर पहले ही ग्रोइन इंजरी के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। वहीं विल फोक्सुकुवी को भी इंडिया ए के खिलाफ अभ्यास मैच में अंतिम गेंद पर सिर में चोट लग गई थी, वे कनेक्शन के शिकार हो गए हैं। ओपनर डेविड वॉर्नर के बाद अब युवा सलामी बल्लेबाज विल फोक्सुकुवी भी चोटिल होकर पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अब दूसरे ओपनर के तौर पर शॉन मार्स और मार्श लाबुसेन दावेदार हैं। ऑस्ट्रेलिया कोच जस्टिन लैंगर ने कहा कि उम्र ज्यादा होने के कारण किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मार्श खुद को साबित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। सेल्फिड सीडल के उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है, वह बड़े खिलाड़ी हैं और ओपनर पर प्रबल दावेदार हैं। मार्क्स ने सेल्फिड सील्ड में 4 मैचों में 3 लगातार शतक लगाए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा 17 दिसंबर से शुरू होने वाले डे नाइट टेस्ट में ये दोनों नहीं खेल सकेंगे। उम्मीद है कि ये दोनों 26 दिसंबर से होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए फिट हो जाएंगे। फोक्सुकुवी की जगह पहले टेस्ट में कनेक्शन के तौर पर मार्क हैरिस को शामिल किया गया है।